लगभग 2 साल हो चुके हैं और रणबीर कपूर की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हुई है। उनकी लास्ट फिल्म संजू बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ऐसे में रणबीर ने नए साल के पहले ही दिन अपने फैंस को धमाकेदार सरप्राइज दिया है। उन्होंने अपने आने वाली एक और फिल्म का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें रणबीर कपूर की आवाज सुनाई दे रही है। फिल्म का नाम एनिमल रखा गया है। इस फिल्म में रणबीर के साथ साथ अनिल कपूर, परिणीति चोपड़ा और बॉबी देओल भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि फिल्म में बॉबी विलन का किरदार निभा रही हैं। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी होगी। वहीं इंट्रोडक्शन वीडियो का बैकग्राउंड स्कोर तो काफी ज्यादा लाजवाब है। वीडियो में रणबीर के वॉइस ओवर से ये तो साफ हो गया है कि रणबीर फिल्म में बेटे का किरदार निभाने जा रहे हैं, जिसके पिता शायद उसे समझ नहीं पाते। लेकिन उनका पिता कौन होगा, ये तो फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। इस फिल्म को संदीप वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। फिलहाल रणबीर कपूर अपनी हॉलीडेज जयपुर में एंजॉय कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर ब्रह्मास्त्र और शमशेरा मूवी की शूटिंग बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, जो इस साल रिलीज होने के लिए तैयार है। आप रणबीर की किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और बॉलीवुड न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड मेंशन को।